लोकसभा चुनाव के महासंग्राम में दोनों ही पार्टियां मिशन 25 की रणनीति बनाने में अब जुटी हुई हैं। दोनों ही पार्टियों को जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश है और इसी बीच परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उनको टिकट देगी तो वे जयपुर शहर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और साथ ही खाचरियावास ने बताया कि उनकी पार्टी की रणनीति अलग है। कांग्रेस मौजूदा विधायकों की जगह दूसरे नेताओं को लोकसभा चुनाव में मौका देगी, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा पर कहा कि बीजेपी ने उन लोगों को टिकट दिया है जिन्होंने कभी जनता की सुध ही नहीं ली है। खाचरियावास ने कहा कि 5 साल तक रामचरण बोहरा जयपुर की सड़कों पर नजर नहीं आए। अगर बीजेपी सांसदों ने काम किया तो बताएं कि उनके आदर्श गांव और स्मार्ट सिटी कहां पर है। यदि पार्टी को लगेगा कि मुझे चुनाव लड़ाने की जरूरत है, लड़ाई की, तो मैं लड़ूंगा। इसमें कोई भी कार्यकर्ता मना थोड़ी ना कर सकता है, उसको चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हमने ये तय किया है कि हमारे जो एमएलए जो अभी जीते हुए हैं, मंत्री वगैरह, उनको चुनाव में मैदान में नहीं उतार कर नए लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जाए। जवाब बीजेपी को देना, राजधर्म निभाना कांग्रेस की भी ड्यूटी है, तो राजधर्म निभाना बीजेपी की भी। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।